ये आकाशवाणी है। कोविड 19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं जयपुर के सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय में प्रोफेसर डॉ रमन शर्मा। नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आपका कोरोना जागरूकता श्रृंखला के एक और एपिसोड में। धीरे धीरे देश में कोविड के मामलों में कमी आ रही है, साथ ही स्वस्थ होने की दर में भी लगातार सुधार हो रहा है। भारत में चल रहे विश्व के सबसे बड़े कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 110 करोड़ 23 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं टीकाकरण के इस। अपना टीकाकरण अभी तक नहीं कराया है तो आप टीका जरूर लगवाएं। श्रोताओं, जहां एक और राहत की बात यह है कि पिछले 24 घंटे के दौरान 13,000 से अधिक रोगी स्वस्थ हुए हैं, वहीं दूसरी ओर कोविड के इतने ही नए मामले भी सामने आए हैं, इसलिए हमें कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करते रहना होगा। श्रोताओं, कोरोना की वैक्सीन के साथ ही आपके स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं से जुड़े आपके तमाम सवालों का जवाब देने के लिए और इस पर चर्चा करने के लिए आज के इस विशेष फोन इन कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ चुके हैं एसएमएस मेडिकल कॉलेज जयपुर के डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन में प्रोफेसर और यूनिट हेड डॉ रमन शर्मा। डॉ रमन, नमस्कार, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं। जी नमस्कार। श्रोताओं, देश ने 110 करोड़ से ज्यादा कोविड वैक्सीनेशन डोज लगाकर जो इतिहास रचा है, सबसे पहले डॉ रमन, आप जैसे स्वास्थ्यकर्मी बधाई के पात्र हैं जिन्होंने इस अभियान से जुड़कर लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिए प्रेरित किया और उनकी सभी शंकाओं और भ्रांतियों को दूर किया। डॉ रमन, क्या कहेंगे आप? जी, ये तो एक बहुत ही अच्छा अचीवमेंट है, काफी अच्छी उपलब्धि है, पर अभी कुछ लास्ट फ्यू वीक्स में, कुछ पिछले सप्ताहों में थोड़ी सी गति धीमी हो रही है, तो सबसे ये अपील करेंगे कि जितना जल्दी से जल्दी शेड्यूल्ड डोजेज जो है वो लग जाए तो बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि इसमें साइंटिफिक डेटा यही बता रहा है कि चाहे कोई वेरिएंट आया हो चाहे कुछ भी हो, तो उसमें अगर वैक्सीनेटेड इंडिविजुअल है तो उसके जो चांसेस हैं कोरोना के सीरियस होने के, तो वो बहुत ही कम हो जाते हैं। उसमें सीरियसनेस बिल्कुल खत्म हो जाती है, 95% तक उसमें मॉर्टलिटी का प्रोटेक्शन है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि दोनों डोजेस, पूरी डोजेस लगे वैक्सीन की, तो बहुत फायदेमंद रहेगा। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपील है कि वो जल्दी से जल्दी अपना वैक्सीन जो शेड्यूल है वो पूरा करें। जी बिल्कुल। और डॉक्टर रमन, इस समय मौसम में तेजी से बदलाव हो रहा है, बदलते मौसम में डेंगू, मलेरिया, फ्लू बहुत तेजी से फैल रहा है, ऐसे में सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि जो मौसमी बुखार या फ्लू के बारे में, इसके क्या लक्षण हैं और बचाव इसका किस तरीके से किया जा सकता है? जी, जैसा आपने बताया मौसमी बीमारी, ये मौसमी बीमारी एक्चुअली में यूजुअली जो बरसात के सीजन के बाद होती है उसमें बहुत इम्पॉर्टेंट चीज है कि एक डेंगू फीवर जो आजकल काफी फैला हुआ है राजस्थान में भी और नॉर्थ इंडिया के कुछ प्रदेशों में काफी फैला हुआ है, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट मौसमी बीमारी है। दूसरा नॉर्मल फ्लू इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन जो कि खांसी जुकाम करता है, हालांकि अभी स्वाइन फ्लू का इतना इंसिडेंस हाई नहीं है, बहुत स्पोरेडिक रेयर केसेस मिल रहे हैं स्वाइन फ्लू के। नॉर्मल
फ्लू, जुकाम खांसी वाले बुखार काफी हो रहे हैं, पर फॉर्चुनेटली जो मलेरिया का इंसिडेंस है वो कुछ सालों में प्रेविलेंस जो है वो कम हुआ है। तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि मलेरिया अभी इतना नहीं है, पर अभी डेंगू का ने अभी काफी अपने पैर पसार रखे हैं। और ये एक वायरल इन्फेक्शन होता है डेंगू फीवर, जिसमें कि बुखार आता है, बुखार यूजली 2 से 7 दिन तक रहता है, खूब तेज बुखार आता है, साथ में सिर दर्द होता है, मांसपेशियों में दर्द होता है, पीठ में दर्द होता है और आंख हिलाने पे दर्द होता है। और यूजली सेल्फ लिमिटिंग है, 90% में बिल्कुल अपने आप ठीक हो जाता है, पैरासीटामोल की गोली और फ्लूइड्स वगैरह लिए जाए। हालांकि कुछ केसेस में कॉम्प्लिकेशन भी हो सकते हैं, तो उसमें अपने को ध्यान रखना चाहिए कि कुछ वार्निंग साइंस होते हैं, उन पे ध्यान देना चाहिए, डॉक्टर की तुरंत सलाह लेनी चाहिए। जी, और डॉक्टर रमन, जैसे भी किसी को डेंगू होता है तो उसके साथ एक प्लेटलेट्स को लेकर लोग काफी डर जाते हैं और बराबर इसका टेस्ट कराते रहते हैं, तो कितना सिग्निफिकेंट है और एक बार डेंगू की रिपोर्ट अगर पॉजिटिव आती है तो कितने दिनों पे हमें ये टेस्ट कराना चाहिए प्लेटलेट्स का? ये बिल्कुल काफी मैटर ऑफ कंसर्न है कि प्लेटलेट डाउन होते हैं, जैसे मैंने बताया फीवर आता है शुरू के डेज में, उसके बाद फीवर थोड़ा कम हो जाता है 2 से 3 दिन बाद, और ये जो होता है कुछ दिन बाद जब फीवर कम हो गया जी, तब उसके बाद प्लेटलेट डाउन होते हैं। और अगर पेशेंट को कॉम्प्लिकेशन होने वाला है उसका अपन पहले ही पता चल सकता है, जिससे कि अपने पास कुछ वार्निंग साइंस है तो डॉक्टर की सलाह जरूर लेनी चाहिए। मैं अब वार्निंग साइंस के बारे में बता दूं, वार्निंग साइंस में इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि प्लेटलेट अगर टेस्ट कराया है तो उस वो एकदम से फॉल कर रहे हों, 50-60 हजार तक प्लेटलेट नॉर्मल वे में, नॉर्मल डेंगू फीवर में विदाउट कॉम्प्लिकेशन में डाउन हो सकते हैं, पर उसमें ऐसे कोई घबराने की बात नहीं होती है। उसके साथ अगर दूसरी चीजें और हैं, जैसे कि बीपी गिर रहा हो, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, जो ब्लड प्रेशर का जो डिफरेंस है वो कम हो रहा हो, तो वो एक इम्पॉर्टेंट साइन होता है। अगर बहुत उल्टियां आ रही है, कहीं से खून गिर रहा है, जैसे नक्सीर आ रही है, पेशाब में खून आ रहा है, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो रही है, ज्यादा इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो रही है, मेंसेस के बीच की ब्लीडिंग है, तो उस पर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। उल्टियां हो जा रही हैं, कई बार लिवर में सूजन आ जाती है, पेट में हल्का फुल्का पानी भर जाता है, फेफड़ों में पानी भर जाता है, और अगर सेंसोरियम डल है, यानी कि मूर्छा टाइप हो रही है, पेशाब कम आ रहा है, तो ये सारे वार्निंग साइंस हैं। बट आपने जैसा कहा कि प्लेटलेट कम होते हैं, तो फीवर के साथ नॉर्मल वे में भी प्लेटलेट थोड़े कम होते हैं तो परेशानी की बात नहीं है, बट एक से अगर साथ में ब्लीडिंग होती है प्लेटलेट के कारण, तो तुरंत हॉस्पिटलाइजेशन करवाना चाहिए और उसका डायग्नोसिस यूजुअली कर लेना क्लिनिकली हो जाता है, हॉस्पिटल में हो सकता है, डॉक्टर से सलाह करके इसके कुछ टेस्ट होते हैं जो करे जाते हैं और क्लिनिकल डायग्नोसिस के बेसिस पे ट्रीटमेंट दिया जाता है। जी, और डॉक्टर रमन, क्या डेंगू का कोई स्पेसिफिक टेस्ट है जिससे हमें पता चल जाता है, और किसी व्यक्ति को अगर बुखार आ रहा है तो कितने दिनों बाद हमें टेस्ट कराना चाहिए? जी, जैसे बुखार आया, इसमें डिपेंड करता है कौन सी स्टेज पे आप टेस्ट कराने जा रहे हैं। शुरू के पहले 5 से 7 दिन तक एक टेस्ट होता है जो ब्लड में डिटेक्ट होता है, जिसको NS1 एंटीजन कहते हैं। ये बुखार आने से एक दिन पहले भी कई बार पॉजिटिव आ सकता है, प्रोड्रोम में, वायरल प्रोड्रोम जिसको कहते हैं, कि हाँ बुखार होने वाला है, और एक दिन पहले तक भी हो सकता है। तो यूजुअली जब वायरस ब्लड में सर्कुलेट करता है, वायरेमिक फेस में सर्कुलेट करता है, तो 5-7 दिन तक ये NS1 एंटीजन पॉजिटिव, यानी कि वायरस का एक पार्ट हम डिटेक्ट कर लेते हैं लैब टेक्निक से। जी, उसके बाद क्या होता है कि बॉडी की जो इम्यूनिटी है वो चालू होने लगती है, वो काम करने लगती है, तो उसमें IgM नाम की डेंगू एंटीबॉडीज होती हैं। जी, वो 7-5 दिन के बाद बनना चालू होती है और 3 महीने तक रहती हैं ब्लड में, तो वो एक दूसरा टेस्ट है। अब जब ये NS1 एंटीजन डिसअपियर होता है ब्लड से, तो और पेशेंट बुखार ठीक हो जाता है,
तो वो जरा पीरियड जो होता है NS1 एंटीजन तो पॉजिटिव भी रह सकता है और नेगेटिव भी रह सकता है, बट IgM पॉजिटिव हो रहा है और पेशेंट का बुखार खत्म हो रहा है, तो वो कई बार कुछ परसेंट केसेस में 5% में ऐसा हो सकता है कि कॉम्प्लिकेशंस हो जाए। उस कॉम्प्लिकेशंस जैसे मैंने वार्निंग साइंस बताए थे आपको, उसे पता लगाया जा सकता है वार्निंग साइंस का, तो ये टेस्ट है। अब तीसरा एक IgG एंटीबॉडीज होती है सेकेंडरी डेंगू फीवर जिसको बोलते हैं, तो उसमें IgG एंटीबॉडीज जैसे एक स्ट्रेन अगेंस्ट 4 सीरोटाइप्स हैं 1, 2, 3, 4 Denv 1, 2, 3 and 4 जी। तो जैसे Denv 1 है उसके अगेंस्ट IgG एंटीबॉडीज बन गई तो वो लाइफ लॉन्ग रहेगी जी, बिल्कुल। तो और ये कह सकते हैं डॉक्टर रमन कि डेंगू का एक निश्चित टेस्ट है, तो हम हिट एंड ट्रायल की बजाय अगर ऐसे जैसा कि आपने लक्षण बताए इस तरह के कोई भी लक्षण दिखाई दें तो सीधे हमें अपने डॉक्टर के पास जाना है और अपनी जांच करानी है, ताकि अर्ली जो डिटेक्शन अगर डिजीज का हो जाता है तो हमें अर्ली उसकी रिकवरी भी हो पाए। एक चीज और लोगों के जानना चाहते हैं कि डेंगू होने पर हमें अपना खान पान किस तरीके का रखना है, जैसे कहते हैं कि लिक्विड डाइट्स बहुत ज्यादा रखनी चाहिए, तो किस तरह का खान पान रहना चाहिए किसी पेशेंट्स का? खान पान देखिए दो ग्रुप्स हैं, जिसमें सबसे पहले फीवर आता है और साथ में वॉमिटिंग अगर हो रही है, वॉमिटिंग अगर हो रही है तो पेशेंट ओरली नहीं ले पाता है तो उसमें IV फ्लूइड दिया जाता है जी। और अगर पेशेंट को सिर्फ बुखार है, पैरासिटामोल से ठीक हो रहा है और पेशेंट की एपेटाइट बिल्कुल ठीक है, उसको खाने में रुचि है, तो फ्लूइड्स खूब अच्छी तरह से देने चाहिए। बेसिकली डेंगू के मैकेनिज्म में ऐसा होता है कि जो वेसल्स होते हैं उनकी जो परमिएबिलिटी, मतलब यानी कि वो छिद्रता होती है, वो बढ़ जाती है जी। तो फ्लूइड जो है बॉडी के अंदर जो वेसल्स के अंदर होता है वो बाहर चला जाता है, बाहर मतलब इंटरस्टिशियल टिश्यू में चला जाता है, जिससे कि फ्लूइड लॉस होता है। तो ओरली अगर कंपनसेट कर दिया जाए तो कोई कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस रहते ही नहीं है। तो ओरल फ्लूइड जिसमें फ्रूट जूसेस हैं, ORS का सोल्यूशन है, जूसेस वगैरह में डाल के दे दिया जा सकता है जी। और रूटीन का खाना उसमें जो भी इच्छा करे वो खा सकते हैं। दूसरा ग्रुप अगर उल्टियां बहुत ज्यादा हो रही है तो आपको डॉक्टर की सलाह करनी पड़ेगी और हॉस्पिटलाइज करके, उसमें बड़ा मैजिकल ट्रीटमेंट है, सिर्फ IV फ्लूइड दिए जाते हैं। अगर पेशेंट इन वार्निंग साइंस के साथ आ गया जैसा मैंने बताया, IV फ्लूइड दिए जाते हैं जिसमें सलाइन दिया जाता है, रिंगर लैक्टेट, दो तरह के फ्लूइड्स हैं जो दिए जाते हैं, उसको देते ही पेशेंट ठीक हो जाता है, विद इन 48 आवर्स यूजली ठीक हो जाता है। और ज्यादातर केसेस में जहां पे प्लेटलेट कम है, उसमें ऐसा नहीं है कि प्लेटलेट हर केसेस को, जैसे 60,000 के प्लेटलेट है, कल तो हमारे 1,20,000 थे, 8-8,000 प्लेटलेट लगा दिए, प्रोफाइलेक्टिक बिना बात के प्लेटलेट नहीं देना चाहिए किसी भी हालत में जी। प्लेटलेट का भी इंडिकेशन अब जब इलाज की बात चल रही है तो वो ये है कि 10,000 से नीचे प्लेटलेट जा रहे हैं या बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है किसी पेशेंट को, तो उसमें तो अपने को ब्लड ट्रांसफ्यूजन और कहीं जरूरत हो तो प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन दिए जाते हैं। तो IV फ्लूइड जो सबसे इम्पोर्टेंट मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट है, उसमें क्या है कि जैसे अनट्रीटेड डेंगू है, कि अगर सीवियर डेंगू आ गया है किसी को, तो उसमें मृत्यु दर करीब 20% होती है और IV फ्लूइड देते ही मृत्यु दर 1% से नीचे चली जाती है, तो ये बड़ा मैजिकल ट्रीटमेंट है जी। और एक बात और आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे सर्दियों में और खासकर अगर हम देखें तो अभी दीपावली का त्यौहार, छठ का त्यौहार, बहुत जब इस तरह के त्यौहार आते हैं तो हमारी परंपराओं में बहुत सारा खाना पीना होता है और काफी बदपरहेजी हो जाती है, तो ऐसे में कई बार डायबिटिक पेशेंट्स का जो शुगर लेवल होता है वो भी काफी अप हो जाता है, तो अब आफ्टर पोस्ट दिवाली पोस्ट फेस्टिवल आप क्या ऐसे पेशेंट को सजेस्ट करेंगे? देखिए ऐसा है, ये बिल्कुल बात सही है कि दिवाली के टाइम पे थोड़े से लोग बेपरवाह हो जाते हैं और खाने पीने का ध्यान नहीं रखते, तो मैं तो यही कहना चाहूंगा कि हेल्दी डाइट, जो डाइटरी प्लान है डायबिटिक्स पेशेंट का, उसको बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि डायबिटीज के जो है लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस, बेसिकली एक साइलेंट टाइप डिजीज है, आपको भले ही अभी सिम्टम नहीं हो रहे हो पर धीरे 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 शरीर के अंगों को वो काटते रहती है, तो खान पान का बहुत ध्यान रखना चाहिए। मीठा बहुत, हालांकि ज्यादातर वर्ल्ड ओवर थोड़ी बहुत चॉकलेट या मिठाई कभी कभार खाने में कोई ऐसा वो मनाही नहीं होती है, बट फिर भी रेगुलर वे में अगर बदपरहेजी करी जाए तो बड़ा मुश्किल रहेगा आगे डायबिटीज कंट्रोल करने के लिए,
तो डाइटरी प्लान बहुत इम्पोर्टेंट है, उसको फॉलो करना चाहिए जी। और जो श्रोता हमसे अभी भी जुड़े हैं उन्हें बता दें कि कोरोना जागरूकता श्रृंखला के आज के इस विशेष कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं एसएमएस मेडिकल कॉलेज जयपुर के डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन में प्रोफेसर और यूनिट हेड डॉक्टर रमन शर्मा। आप भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं अपने सवाल पूछकर। हमारे स्टूडियो का टोल फ्री नंबर है 1800115767 और एक दूसरा नंबर है 01123314444 पर आप अपने सवाल सीधे हमारे एक्सपर्ट से कर सकते हैं। और आज के हमारे पहले कॉलर लोनी गाजियाबाद से मोहम्मद यामीन है। यामीन भाई नमस्कार, स्वागत है आपका। डॉक्टर सर नमस्कार जी। नमस्कार जी। नमस्कार जी। नमस्कार सर, मैं यामीन भाई रेडियो वाला चिरोड़ी लोनी किला गाजियाबाद। सर मैं जानना चाह रहा हूँ जैसे लोग किसी को कोरोना हो जाता है उसके बाद वो ठीक हो जाते हैं लेकिन आरटीपीसीआर किट में जब भी वो पॉजिटिव आते हैं इसके क्या कारण है? आरटीपीसीआर पॉजिटिव बोल रहे हैं हाँ कि उसमें पॉजिटिव हो जाते हैं और कोविड से रिकवर हो जाते हैं तो इसका क्या कारण है? कोविड से रिकवर हो जाते हैं तो आरटीपीसीआर तो नेगेटिव हो जाता है जी। पोस्ट कोविड जो जी है जी पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस हैं उसमें जो है शुरू में भी इवन आरटीपीसीआर पॉजिटिव नहीं हो तो भी हम इसको पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस ही मानते हैं जी। तो ऐसा जो ड्यूरेशन ऑफ आरटीपीसीआर है वो लिमिटेड है। आरटीपीसीआर जब तक वायरस गले में रहता है ज्यादा से ज्यादा 10 दिन तक। कुछ जो सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे इम्यूनो सप्रेस इंडिविजुअल उसमें वायरस में ये आरटीपीसीआर कुछ महीनों तक पॉजिटिव आ सकता है बट ये रूटीन में नहीं ऐसा होता और थोड़े दिनों के लिए रहता है आरटीपीसीआर जी पॉजिटिव। और अब रुक करते हैं कुशीनगर उत्तर प्रदेश का जहां से मुन्ना कुमार जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। मुन्ना जी नमस्कार। नमस्कार सिद्धार्थ सर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में, बताइए क्या जानना चाहते हैं? जी सर, डॉक्टर साहब को मेरा नमस्कार। नमस्कार। मेरा सवाल ये है सर जी कि हमसे कई लोग ये पूछ रहे हैं कि अभी हमने पहला डोज कोविशील्ड लगवाया तो उससे हमें फीवर वगैरह आया लेकिन जब उन्होंने सेकेंड डोज लिया तो बोल रहे हैं कि हमें वीकनेस फील हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है सर जी, हमको ये बताइए जी। डॉक्टर रमन जी, जी ऐसा है वैक्सीनेशन का वर्ल्ड ओवर काफी साइंटिफिक स्टडी हो चुकी है और सिर्फ वीकनेस होना कोई बहुत इम्पोर्टेंट वो नहीं है। कुछ दिन तक थोड़ा बहुत हाथ पांव में दर्द या जहां पे इंजेक्शन लगा है वो हो सकता है, कुछ वीकनेस हो सकती है बट बहुत सिग्निफिकेंट नहीं है। किसी भी तरह के कोई कॉम्प्लिकेशन बहुत बहुत रेयर है तो इसलिए बिल्कुल अब तो खुले आम सब जगह लग रहा है तो ऐसी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। छोटा मोटा वीकनेस एक दो दिन के लिए रह सकती है, थोड़ा सा गले में दर्द हो सकता है, मामूली बुखार सा हो सकता है जी। और गांधीनगर दिल्ली से धर्मवीर जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ गए हैं अपने सवाल के साथ। धर्मवीर जी नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। हेलो हेलो जी, धर्मवीर जी स्वागत है। सिद्धा जी नमस्कार जी, बताएं। मैं धर्मवीर गांधीनगर दिल्ली से बोल रहा हूँ। डॉक्टर नमस्कार। सिद्धा जी मुझे आपसे एक छोटी सी बात कहनी है। जी, जी, कार्यक्रम तो श्रोता के लिए है, फोनी कार्यक्रम है, कृपा करके ज्यादा से ज्यादा श्रोता लेने की कृपा करें, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी। मैं जक्सा ये पूछना चाहता हूँ, आजकल डेंगू बहुत हो रहा है क्योंकि यूपी बिहार और अपना हरियाणा और दिल्ली में तो काफी इसमें तो डॉक्टर साहब जैसे अब कोरोना के बच्चों को बचाने की तो दिक्कत है, अभी तो वैक्सीन आई नहीं है तो बच्चों को ज्यादा से ज्यादा कैसे उनके ऊपर ध्यान दिया जाए और ये वैक्सीन की जो लगने का है बच्चों का इसके लिए क्या उपाय है, कुछ सावधानी बरतने की बात है क्या है? मुझे ऐसा लग रहा है आपने दो सवाल पूछे, एक डेंगू से बचाव और दूसरा कोविड से बच्चों में बचाव जी, जहां तक मैं समझ रहा हूँ। अभी तक बच्चों में वैक्सीन नहीं लगी है तो जी वैक्सीन की हाँ हाँ वैक्सीन की तैयारी पूरी है और धीरे धीरे वो जब भी साइंटिफिक ट्रायल्स के रिजल्ट आते हैं तो वो चालू हो जाती है। अमेरिका में यूजुअली उन्होंने लगाना चालू कर दिया है। दूसरी बात डेंगू से बचाव, डेंगू बहुत जैसे आपने बताया बिहार राजस्थान हरियाणा सब जगह फैल रहा है, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। इस बार क्या है कि स्कैटर्ड रेन्स है, जगह जगह काफी दिनों तक बरसातें हुई हैं, बरसात के बाद ये मैं बताऊंगा आपको ये मच्छरों से फैलने वाली बीमारी है, ये एक वायरस इन्फेक्शन है, डेंगू वायरस जो है वो मच्छरों से फैलता है। तो बारिश होने के बाद फ्रेश जो वाटर होता है स्टैग्नेंट वाटर सादा साफ पानी
वो जमा हो जाता है। जैसे अब मौसम चेंज हो गया, थोड़ा गर्मी थी, कूलर चल रहे थे जी, तो उसमें से कूलर में से पानी नहीं हटाया तो उसमें मॉस्किटोस काफी ज्यादा इकट्ठा हो जाते हैं और वो एक दूसरे को इन्फेक्शन, अगर वहां से उनसे मॉस्किटो बॉर्न इन्फेक्शन काफी फैल जाता है। घरों में बर्तनों में पानी इकट्ठा हो जाता है, टायर्स में पानी इकट्ठा रखा हुआ है, खाली प्लॉट कोई पड़ा है तो उसमें पानी इकट्ठा हो जाता है। तो इस तरह से ये जो पानी है इसको अपने को बिल्कुल साफ रखना चाहिए, हटा देना चाहिए किसी भी तरह से स्टैग्नेंट वाटर को, और मच्छरों से बचाव के जो भी उपाय हैं वो करने चाहिए जी। और अब रुक करते हैं बलरामपुर का, जहां से रिंकी तिवारी जी कार्यक्रम से जुड़ गई हैं। रिंकी जी नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। हाँ जी रिंकी जी, आप हमें सुन पा रही हैं? डॉक्टर साहब रिंकी से अभी संपर्क नहीं हो पा रहा है हमारा जी। और एक चीज और जानना चाहेंगे, इस समय की वातावरण में इस समय प्रदूषण की जो मात्रा है वो काफी बढ़ गई है और EQI इस समय ज्यादा है जी, ऐसे जी, में जी, सांस जी, के मरीज या एलर्जिक हैं जो पेशेंट एस्थेमेटिक हैं, उनके लिए आपका क्या सुझाव रहेगा? हाँ ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है, ऐसे ही दिवाली के बाद और ये चेंज ऑफ वेदर होता है, इसमें काफी प्रदूषण हो गया है, तो उसमें तो सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि भाई अपना बचाव रखें, आसपास वातावरण साफ रखें, अस्थमा और COPD के मरीज बहुत ध्यान रखें कि पॉल्यूटेड एयर में किसी एक जने का कंट्रीब्यूशन नहीं है, अपन सब लोगों का कंट्रीब्यूशन है। जो गैसेस इमर्ज हो रही हैं, ओजोन लेयर जो पेनिट्रेट हो गई है, जो प्रोटेक्टिव लेयर पेनिट्रेट हो गई है, उसकी वजह से ये सारा हो रहा है। तो सरकारी स्तर पे और इंडिविजुअल स्तर पे, सब युद्ध स्तर पर इस में काम होना चाहिए पॉल्यूशन के लिए, और COPD के मरीज, अस्थमा के मरीज, एलर्जी के मरीज, हर तरह से हार्ट के मरीज, ये सब काफी इंक्रीज हो जाता है इंसिडेंस। जैसे आपने देखा होगा जब ये कोविड में लॉकडाउन लगा था तो उस टाइम इस तरह की बीमारियां, पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन इंडेक्स AQI बड़ा अच्छा इम्प्रूव हो गया था जी। तो इस तरफ ध्यान देने की जरूरत है जी, बिल्कुल। और बागपत से सोनू जी जुड़ गए हैं कार्यक्रम से। सोनू जी नमस्कार। नमस्कार सर जी, बहुत बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में, बताइए क्या जानना चाहते हैं? सर मुझे जानना कि हमारे परिवार में प्रेग्नेंट है जी, क्या उसको वैक्सीन लगवानी चाहिए? प्रेगनेंसी में वैक्सीन लगवानी चाहिए या नहीं, ये जानना चाहते हैं? बिल्कुल लगवानी चाहिए। कुछ स्टडीज में एक रिस्क फैक्टर माना गया है इसके लिए, कोविड इन्फेक्शन के लिए, तो अब प्रेगनेंसी के लिए वैक्सीनेशन ओपन हो गया है और उसका सेफ्टी एस्टेब्लिश हो गई है, इसका मतलब कि अब लगा लेना चाहिए जरूर जी। और डॉक्टर रमन, अभी हम बात कर रहे थे पॉल्यूशन की, बदलते मौसम की, ऐसे में आपसे ये जानना चाहेंगे कि जब हवा में प्रदूषण का स्तर काफी ज्यादा होता है तो क्या जो मॉर्निंग वॉक के लिए लोग जाते हैं या जॉगिंग के लिए जाते हैं, कितना सेफ होता है ऐसे में इसे करना? देखिए ज्यादातर जो मॉर्निंग वॉक अपन कर रहे हैं पार्क्स वगैरह में अगर करें, खुली जगह करें और लेस पोल्यूटेड जगह करें, तो उसमें कोई ऐसे हार्म नहीं है। अस्थमा के जो मरीज हैं और COPD के जो मरीज हैं, उनमें जरूर ध्यान रखना चाहिए कि एकदम से जैसे टेम्परेचर डाउन हुआ है तो अपना फुल्ली प्रोटेक्टेड जाएं, गर्म कपड़े पहन के घूमें और खुली साफ हवा जहां पे पार्क्स वगैरह हैं उसमें घूमे तो ज्यादा ठीक रहेगा जी। और डॉक्टर रमन, बुजुर्गों के लिए भी ये मौसम जो है वो थोड़ा सा जो बदलता मौसम है या धीरे धीरे सर्दी की ओर बढ़ते हैं तो उनके अंदर भी काफी समस्याएं रहती हैं, तो उनके लिए क्या आप सावधानी बताएंगे? उनके लिए भी सेम सावधानियां यही हैं कि अच्छी तरह से गर्म कपड़े रखें, क्योंकि सर्दी में अपन एग्जर्शन करते हैं तो एक तो पता नहीं चलता, तो अनड्यू एग्जर्शन भी अवॉइड करें, रेगुलर वॉकिंग जारी रख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और सर्दियों में कुछ हार्ट के पेशेंट्स जो हैं उनको कुछ तकलीफ ज्यादा हो सकती है, हार्ट अटैक का इंसिडेंट सर्दियों में थोड़ा सा ज्यादा होता है, तो रेगुलर स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं, उसी से बचाव है।
बिल्कुल, और हमारे एक श्रोता ने ये जानना चाहा है डॉक्टर रमन की, उनको डायबिटीज है और कह रहे हैं शुगर काफी बढ़ी हुई है, लेकिन उनका जो कोविड वैक्सीनेशन है वो ड्यू हो चुका है, तो क्या बढ़ी हुई डायबिटीज में वो लगवा सकते हैं वैक्सीनेशन? देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है, डायबिटीज का कंट्रोल तो विद इन वन डे हो सकता है, तो अच्छी तरह से डायबिटीज कंट्रोल करें, डॉक्टर की सलाह लें, डायबिटीज कंट्रोल करके डायबिटिक पेशेंट्स पे अगर अनकंट्रोल रहेगी तो रिस्क बहुत ज्यादा है कोविड इन्फेक्शन होने का, तो कंट्रोल डायबिटीज में रिस्क और भी कम हो जाता है, तो इसलिए जरूरी है कि डायबिटीज कंट्रोल करें और वैक्सीन लगाएं तो बहुत फायदा होगा जी। और डायबिटीज कंट्रोल करना बहुत बड़ा इश्यू नहीं है, बहुत डॉक्टर की सलाह से जरूर कर लेनी चाहिए तुरंत। बिल्कुल, अब डायबिटीज की बात चली है तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि कितने दिनों पर हमें टेस्ट कराना चाहिए? नॉर्मली किसी भी कोई भी व्यक्ति अगर डायबिटिक है तो उसको जांच कितने कितने दिनों पे करानी चाहिए? जी, नॉर्मली एक तो दो तीन तरह के टेस्ट होते हैं, एक तो ब्लड ग्लूकोज रेगुलर होम मॉनिटरिंग, अगर फ्लक्चुएशन हैं ज्यादा, डायबिटीज अनकंट्रोल है तो डेली भी कर सकते हैं फास्टिंग में और खाने के दो घंटे बाद, ये होम ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग है, घर पे मशीन आ सकती है उससे टेस्ट किया जा सकता है, अगर अफोर्डेबिलिटी इश्यू है तो हफ्ते में एक दो बार, जब तक कि डायबिटीज स्टेबल ना हो जाए। दूसरा एक टेस्ट होता है कि जो तीन महीने का एवरेज ग्लूकोज बता देता है कि आपका कितना कंट्रोल रहा, उसकी भी कुछ वैल्यू होती है, एज के हिसाब से 7% या 6.5 उसके नीचे रहे परसेंटेज तो वो HbA1c का टेस्ट होता है, वो दो तीन महीने में एक बार करा सकते हैं अगर अनकंट्रोल्ड है, अगर कंट्रोल्ड है तो साल में दो बार करा सकते हैं उसको HbA1c, उससे पूरा अपने को पिछले महीनों का रिकॉर्ड पता चल जाता है कि एवरेज ग्लूकोज कितना रहा इनका। जी, और हमारा देश तो डायबिटीज की कैपिटल कहा जाता है डॉक्टर साहब, एक क्या कारण है कि यंग लोगों के अंदर भी बहुत ज्यादा इस समय डायबिटीज देखने को मिल रही है, क्योंकि अक्सर कहा जाता है कि विद ग्रोइंग एज आपको ये बीमारी आती है, लेकिन कई बार बहुत सारे यंग लोग ऐसे हैं जिनके अंदर कम उम्र में ये समस्या देखने को मिलती है। जी, एक तो जो डायबिटीज एक्वायर्ड डिजीज है, अपन टाइप वन डायबिटीज की नहीं बात कर रहे, टाइप टू जो डायबिटीज है इसमें एनवायरमेंटल फैक्टर्स यानी कि जीवन शैली लाइफस्टाइल डिजीज मानी जाती है, वो बहुत महत्वपूर्ण रहता है। अब यंगस्टर की जहां बात करिए, आपने देखा होगा कि दिल्ली के स्कूलों में स्टडी हुई थी ऑबेसिटी, मोटापा। मोटापा क्या है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस को प्रमोट करता है, इंसुलिन जो बॉडी में बन रहा है वो अच्छी तरह से काम नहीं कर पाता जी। तो उसके लिए एक तो स्वस्थ एकदम वातावरण होना चाहिए, बिल्कुल सही अच्छा खाना पीना, और ये जंक फूड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करने चाहिए। स्ट्रेस भी ब्लड शुगर और दूसरे हॉर्मोन्स को बढ़ाता है, तो स्ट्रेस भी एक इम्पॉर्टेंट कारण है। अब सिडेंटरी लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज, लैक ऑफ एक्सरसाइज बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर हो गया है, जंक फूड एकदम फ्राइड फूड बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गए हैं, शुगरी ड्रिंक्स जो कि वर्ल्ड ओवर कह रहे हैं कि इसको तो बैन करना चाहिए, इस पर बहुत एहतियात देना चाहिए, बहुत ध्यान देना चाहिए, तो ये जब चीजें सारी मिक्स होती हैं तो उसमें यंग एज ग्रुप में भी डायबिटीज हो जाती है जी। और श्रोताओं, अब समय इजाजत नहीं दे रहा कि हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। डॉक्टर रमन, आप कोविड-19 के इस विशेष कार्यक्रम से जुड़े, आपने हमारे श्रोताओं के प्रश्नों का उत्तर दिया, हमसे चर्चा की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। धन्यवाद। श्रोताओं, आपसे यही कहेंगे कि डॉक्टर रमन ने आपको कोविड से बचने के लिए जो भी सावधानियां बताई हैं, अच्छे स्वास्थ्य के लिए जो भी बातें बताई हैं, आप उनका पालन कीजिए। कोरोना के संक्रमण से बचने के लिए आप कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का कड़ाई से पालन कीजिए। आप स्वस्थ और खुशहाल रहें, इसी कामना के साथ दीजिए मुझे अनुमति। नमस्कार। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे जयपुर के सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय में प्रोफेसर डॉ रमन शर्मा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं, पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।